सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, एमसीसी द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज किया गया है जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे फिर वो नीट 2020 के स्टूडेंट्स हो या फिर नीट 2021 के स्टूडेंट्स हो। नोटिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा का पूरा इस नोटिस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले आप एक्सप्लेनेशन पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि ये नोटिस 21 के स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्या हो रहा है कि फेक अलॉटमेंट लेटर के रिगार्डिंग एक नोटिस आया है। बहुत से स्टूडेंट्स को एक फेक अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है जो कि बोला गया है कि एमसीसी द्वारा ही रिलीज किया गया है, उनके मार्क्स एंड उनकी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग ही उनको सीट अलॉट की गई है। और जो फेक नोटिस जो रिलीज किया गया है अलॉटमेंट लेटर, उसके भी प्रोफॉर्मा नीचे दिए गए हैं, तो वो भी मैं आप सभी को दिखा दूंगा। तो इस पर एमसीसी का कहना है कि ये जो नोटिस है, ये किसी भी प्रकार का जो ये नोटिस है वो हमारे द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। हमारे द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का पब्लिक नोटिस हो या फिर अलॉटमेंट लेटर हो या फिर कुछ भी एडमिट कार्ड वगैरह हो, अगर वो रिलीज़ किया जाता है वो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज़ किया जाता है। इसके अलावा वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा डाउनलोड करने को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की वेबसाइट पर ही मिलेगा आपको। इसके अलावा मिलता भी है तो एमसीसी की वेबसाइट का आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सीधा वो एमसीसी की वेबसाइट पर लाकर ही आपको छोड़ेगा। इसके अलावा किसी भी अदर वेबसाइट से आप ना ही अलॉटमेंट लेटर, ना ही एडमिट कार्ड, ना ही कोई भी नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि इस प्रकार के फेक नोटिस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है उन पर बिलीव ना करें, सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बिलीव करें। और अगर आपको इस प्रकार का कोई भी घटना दिखती है या फिर फेक नोटिस दिखता है तो तुरंत अपने जो क्राइम सेल है, साइबर क्राइम सेल है, उसमें शिकायत दर्ज करें, या फिर आप इसके खिलाफ़ FIR भी करवा सकते हैं, या फिर MCC की टोल फ्री नंबर पर कॉल करके किसी भी अधिकारी को आप शिकायत भी कर सकते हैं। देन यार, एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा पर्सनली, देन यार आप इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, और कोई बहुत से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को दे चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को सीट मिल चुकी है, और जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल चुकी है, ठीक है, वो अभी डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक अच्छे नागरिक होने की, कि इस तरह के जो भी क्राइम्स, साइबर क्राइम्स होते हैं या फिर फेक इन्फॉर्मेशन होती है, इनको बढ़ावा ना दें, बल्कि स्टूडेंट्स को सचेत करें इनके अलावा, कि इन सब पर यकीन ना करें। मैं भी, मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम भी है, जिस पर जितने भी ये कुछ नोटिस वगैरह आते हैं, तो स्टूडेंट्स को मैं पहले पर्सनली बोलता हूँ कि ये सब फेक है, इस पर बिलीव ना कीजिए, और प्लीज़ आप इसको ग्रुप से भी हटा दीजिए, ठीक है। तो ऐसा बोलने में अपना कुछ नहीं जाता, पहले चेक कीजिए। अगर कोई भी नोटिस आया है तो 2 मिनट लगते हैं। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, मैं आपको बता देता हूँ, mcc.nic.in, इस पर जाइए, चेक कीजिए, आपको होम पेज पे दिख जाएगा कि न्यू नोटिस ब्लिंक करता है। जो भी न्यू नोटिस आता है ना, उसके सामने एक न्यू लिख कर ब्लिंक करता है, ठीक है, तो देखिए कि ये ब्लिंक कर रहा है या फिर नहीं। अगर वहां पर कोई नोटिस नहीं है तो वेट कीजिए गाइस, बिकॉज अगर 7 दिसंबर को कोई नोटिस रिलीज़ किया है तो एमसीसी की वेबसाइट पर वो 8 दिसंबर को आता है, और इम्पॉसिबल है कि 7 को ही आपको वो नोटिस मिल जाए, बिकॉज वेबसाइट पर तो 8 को आया है ना, तो 8 को ही वो नोटिस मिलेगा। तो इन सब पर यकीन मत कीजिएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा अलॉटमेंट लेटर था। देखिए, इस प्रकार का जो अलॉटमेंट लेटर है वो रिलीज़ किया गया है। देखिए, नाम्स वगैरह सब कुछ हाइड करके रखे हैं एमसीसी ने, बिकॉज किसी को भी पब्लिक नहीं करना चाहते। देखिए, पूरा का पूरा डिक्लेरेशन वगैरह, पूरा का पूरा जैसा एमसीसी का अलॉटमेंट लेटर होता है सेम वैसा ही बनाया गया है। लेकिन गाइज, ये बिल्कुल ही फेक है। एमसीसी ने अभी तक कोई भी अलॉटमेंट लेटर जो है अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ नहीं किए हैं। तो ये 21 के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले भी हम 2018 से वीडियोस बना रहे हैं, तो 2019 में आपके एग्जामिनेशन टाइम एडमिट कार्ड को लेकर बहुत से नोटिस वैसे ही फेक बना दिए जाते हैं। तो आप 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के अलावा आपको बाहर की जो एक्टिविटीज़ है उनको भी ध्यान में रखना होगा, और जो भी फेक न्यूज़ वगैरह आती है उस पर बिलीव नहीं करना होगा। हमारे चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर से ही उठाकर दी जाती है, तो आप चैनल पर बिलीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिलीव करिए, आप कर सकते हैं अगर आपका मन संतुष्ट होता है तो। देन गाइज, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।